ये फिशेज़ डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से एक प्रोजेक्ट है जो कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर फिशरीज़ की डेवलपमेंट के लिए रेड मीट को वाइट मीट से रिप्लेस करने का एक प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर कोई हाफ बिलियन अमाउंट जो है वो उन्होंने इस 5 ईयर प्लान के थ्रू तहत जो है वो रखा गया है, जिसके अंदर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्स के अंदर जितने भी फ़िश फार्मर्स हैं, जो पोटेंशियल फिश फार्मर्स हैं, जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर तो वो फिश फार्म्स नहीं है, उन्होंने क्या कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू वहाँ पे न्यू फिश फार्म्स जो है वो इस्टेब्लिश किए हैं, और जिन फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड का इस प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट है प्रमोशन ऑफ ट्राउट फार्मिंग इन गिलगित बल्तिस्तान का, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो फिशिंग है या फिश को जो है वो मार्केट किया जाए, जिसका बिहाइंड द प्रोजेक्ट जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि वाइट मीट रेड मीट को वाइट मीट से रिप्लेस करें, दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पे जो न्यूट्रिशनल जो वो हैं डिफिशेंसीज हैं उनको पूरा किया जाए, तीसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पे क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है वो हर बंदे को जो है जो रोज़गार फ्राहम नहीं कर सकती, तो गवर्नमेंट जो है वो इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू गिलगित बल्तिस्तान जैसे पसमानदा इलाके के अंदर जो है वो रोज़गार भी फराहम करती है, क्योंकि प्राइवेट फिश फार्मर्स को वो प्रमोट करती है, प्राइवेट फिश फार्मर्स को एम्पावर करती है, तो जो जब जो फिश फार्मर एम्पावर होता है वो फिर वो क्या करता है, ख़ुद भी रोज़गार उस वो हासिल कर लेता है, और वो अपने फिश फार्म के अंदर जो इस्टेब्लिश फिश फार्म होता है उसके अंदर फिर दूसरे जो बेरोज़गार लोग होते हैं उनको भी ला के वो वहाँ पर हायर करता है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो है वो इकॉनमी जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, इकॉनमी बूस्ट हो जाती है। तो फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड का जो है वो हम एक तरह से मशकूर भी हैं फेडरल गवर्नमेंट का, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट का, कि जिसने जो है वो प्रायोरिटी बेस पे जो है वो इस इकोनॉमिक अपलिफ्ट का एक प्रोजेक्ट जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के लिए 5 ईयर प्लान के तहत रखा है, तो जिससे इंशाल्लाह हम उम्मीद हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी फिश फार्मर्स हैं वो मुस्तफ़ीद होंगे, और इसका अल्टरनेट इम्पेक्ट जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की लाइवलीहुड के ऊपर पड़ेगा।